नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे पूर्वी विशेष माल ढुलाई गलियारे के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक उपाय है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल अगले दौर की बातचीत होगी। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 95.83% हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के एक और खतरनाक रूप के फैलने के प्रति आगाह किया। और मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर सिमटी, भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य दिया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्वी विशेष माल ढुलाई गलियारा ईडीएफसी के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक खंड के खुलने से कानपुर देहात का एल्यूमिनियम उद्योग, औरैया का डेयरी उद्योग, इटावा का कपड़ा उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग और अलीगढ़ के ताले और धातु की वस्तुओं के कारोबार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे कानपुर दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर भीड़भाड़ कम होगी और यात्री रेलगाड़ियां ज्यादा तेज गति से चल सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस माल ढुलाई गलियारे के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। ये इस माल गलियारे का नियंत्रण केंद्र होगा। ये केंद्र दुनिया में अपनी तरह की बड़ी संरचनाओं में से एक है और आधुनिक निर्माण, उत्कृष्ट वास्तुकला तथा सर्वश्रेष्ठ ध्वनि व्यवस्था से युक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास है, इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल और कृषि उड़ान सेवा किसानों को अन्य राज्यों में अपनी उपज बेचने में बड़ी मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क, शीत भंडारण सुविधाएं और कृषि प्रसंस्करण केंद्र बनाने के लिए 6,500 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नए कृषि सुधारों के बाद, किसान रेल की सुविधा के बाद एक और विकल्प मिला है। अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। वो फलों और सब्जियों के ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी का भी लाभ ले सकता है। किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है, यानी इसमें फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे समर्पण के साथ भारतीय कृषि और किसानों के सशक्तिकरण के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में माल ढुलाई की विशेष गलियारे में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए रेलवे को जुट जाना चाहिए। रेलवे माल ढुलाई की विशेष गलियारे के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
गलियारे की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने अधिकारियों से सभी पक्षकारों के साथ बातचीत और तालमेल जारी रखने को कहा। श्री गोयल ने परियोजना से जुड़े मामलों के समाधान और कार्यों की रोजाना निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में समर्पित प्रबंधन टीमों के गठन का सुझाव भी दिया। विशेष माल ढुलाई गलियारा निगम सोनगर दंकुनी खंड सहित पश्चिमी विशेष माल गलियारे पर 1504 किलोमीटर और पूर्वी गलियारे पर 1856 किलोमीटर के रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और किसानों के बीच ये छठे दौर की बातचीत होगी। केंद्र ने 40 किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। ये लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिए चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपए की 9वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 5516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 23 राज्यों के लिए और 483 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है। इनमें विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दुचेरी शामिल हैं। ये सभी वस्तु और सेवा कर परिषद के सदस्य हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी पर अमल के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। केंद्र ने जीएसटी के कारण राजस्व में कमी की भरपाई के लिए इस वर्ष अक्टूबर में एक विशेष ऋण व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत केंद्र सरकार औसतन 4.76% की ब्याज दर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण लेती है। आकाशवाणी से खास बातचीत में आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 9th वीकली इंस्टॉलमेंट 6000 करोड़ की स्टेट्स को जीएसटी कॉम्पनसेशन में जो शॉर्टफॉल था उसके लिए रिलीज करी है, जिसमें से 5516 करोड़ 23 स्टेट्स को जाएंगे और 483 करोड़ जो है 3 यूनियन टेरिटरीज को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो दिल्ली, जेएनके एंड पुडुचेरी है। और ये जो पैसा है ये स्टेट डेवलपमेंटल वर्क जो बहुत जरूरी है इस समय उसमें लगाई, और ये सबसे बड़ी बात है, ये एक चीज दर्शाता है कि इस समय हमारा जो इकॉनमी है बड़ी तेजी से पोस्ट कोविड समय में नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स रखते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों को कल जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में शपथ दिलाई गई। इनमें जम्मू डिवीजन के 140 प्रखंडों का एक एक सदस्य शामिल है। इस शपथ ग्रहण के साथ जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय पंचायती राज अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। परिषद के सदस्यों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संविधान में प्राप्त शक्तियों की जानकारी दी जाएगी।
परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भी शीघ्र ही नोटिस जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हाल में हुए विधानसभा उपचुनावों में चुने गए 28 विधायकों को कल विधायक के रूप में शपथ दिलाई गई। एक अधिकारी ने बताया कि प्रोटेम अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने इन विधायकों को शपथ दिलाई। इस वर्ष नवंबर में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 230 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी और उसकी सदस्य संख्या 96 हो गई है। ओडिशा सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का वार्षिक विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने कल राजधानी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे सरपंच से लेकर मुख्य सचिव तक के अधिकारियों को अब प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 95.83% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 21,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ मरीजों की कुल संख्या 97,82,000 से अधिक हो गई है। कुल संक्रमित मरीजों में से केवल 2.7% रोगियों का इलाज चल रहा है। इस समय देश में लगभग 2,77,000 मरीज उपचाराधीन हैं। इस बीच कल 20,021 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, श्रेणीबद्ध जांच, पहचान और उपचार से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। वर्तमान में भारत में कोविड से मृत्यु दर 1.45% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगाह किया है कि ये जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ही सबसे भयंकर बीमारी हो। अभी दुनिया भर में एक और अत्यंत गंभीर महामारी फैलने की आशंका है। संगठन प्रमुख टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को वायरस के बारे में प्रतिदिन नई बातों का पता चल रहा है, जिसमें इसके नए स्वरूप का प्रसार, इससे लोगों का बीमार पड़ना, उपलब्ध जांचों, उपचारों और टीकों पर संभावित प्रभाव इत्यादि शामिल हैं। श्री टेड्रोस ने कहा कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिक महामारी के विषाणु का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आधार पर संगठन अगला कदम तय करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपातकालीन कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर माइक रयान ने कहा है कि अगली महामारी और अधिक गंभीर हो सकती है और हमें इसका सामना करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। गुजरात में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन का पूर्वाभ्यास कल शुरू हुआ। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राजकोट और गांधीनगर जिलों में प्रयोग के तौर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉ नयन जानी ने बताया कि इन दोनों जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी अभियान के पहले दिन प्रशासनिक कार्यों में लगे रहे। उन्होंने बताया कि प्रयोग के तौर पर लोगों को वास्तविक रूप से टीका नहीं लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट। राज्य में वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम के शुरुआती चरण में जिनको टीका लगाया जाएगा उसमें 4,00,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 6,00,000 फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले करीब 1,00,00,000 लोगों को शामिल किया गया है। राज्य में टीके के डोज को रखने के लिए करीब 2,200 कोल्ड चेन प्वाइंट बनाए गए हैं। इस बीच गुजरात मीडिया क्लब द्वारा यूनिसेफ और PDPU के संचार विभाग के सहयोग से अहमदाबाद में कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूकता के लिए एक कार्य शिविर आयोजित की गई। शिविर को संबोधित करते हुए यूनिसेफ गुजरात के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रवण ने कहा कि टीका लिए जाने के बाद भी लोगों को अनिवार्य मास्क, सामाजिक दूरी और हाथ धोने के नियमों का पालन करते रहना जरूरी होगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल 2,498 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य संक्रमितों की संख्या 19,22,048 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कल 50 लोगों की मृत्यु के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 49,305 हो गया है। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 2.57% है। राज्य में अब तक कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 18,14,449 हो गई है। महाराष्ट्र में महामारी से स्वस्थ होने की दर 94.4% हो गई है। राज्य में नववर्ष मनाने के लिए पर्यटक स्थलों पर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पर्यटन निदेशालय ने पर्यटकों को स्वास्थ्य की देखभाल और एहतियात बरतने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
महाराष्ट्र के पर्यटन संचालक धनंजय सावळकर ने जिलाधिकारी तथा महानगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटन स्थलों पर एसओपी और मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें, जिसमें पर्यटन स्थलों पर भीड़ को प्रतिबंध करना, भीड़ टालने के लिए एक साथ उचित संख्या में पर्यटकों के प्रवेश के अनुमति पर निर्णय लेना, पर्यटकों के समूह तथा गाइडेड टूर्स का नियंत्रण और पर्यटन स्थल पर किसी विशेष या निजी समारोह का प्रतिबंध शामिल है। इन स्थानों पर मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग, सुरक्षित अंतर का पालन जैसे नियमों समेत 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को इन स्थानों पर प्रतिबंध जैसे अनिवार्य नियम जारी किए हैं। पर्यटन संचालक के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के मदद और पुनर्वास विभाग ने भी नया साल मनाने के विषय में कल दिशा निर्देश जारी किए। समुन्द्र किनारे गार्डन तथा प्रसिद्ध सड़कों पर ज्यादा संख्या में इकट्ठा न होने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम तथा जुलूस पर पाबंदी है। निवेदिता बोरकर के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे पूर्वी विशेष माल ढुलाई गलियारे के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक उपाय है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल अगले दौर की बातचीत होगी। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 95.83% हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के एक और भयंकर रूप के फैलने के प्रति आगाह किया। और मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर सिमटी, भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य दिया। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में कल से शुरू हो गया। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कल कोविड रोकथाम के बारे में पहले से जारी दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने का आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोविड 19 के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी और ब्रिटेन में वायरस का नया रूप सामने आने के बाद निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन, इन क्षेत्रों में रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कड़ाई से पालन, कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और इनका सख्ती से अनुपालन तथा विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कतर यात्रा के दूसरे दिन कतर सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डॉ जयशंकर की 2 दिन की कतर यात्रा पूरी हो गई है। इस दौरान डॉ जयशंकर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भेंट की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश सौंपा। संदेश में प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया और कोविड 19 के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों का ध्यान रखने के लिए आभार व्यक्त किया। कतर के अमीर ने जल्द ही भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने अमीर के पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी से भी भेंट की। उन्होंने कतर में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और अपनी भारत यात्राओं को याद किया। डॉ जयशंकर और कतर के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा ने द्विपक्षीय आर्थिक और सुरक्षा सहयोग सुदृढ़ करने पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने उन्हें अगले वर्ष होने वाले पहले संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। डॉ जयशंकर अहमद बिन अली स्टेडियम भी गए, जहां 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। डॉ जयशंकर ने कल कतर के उद्योगपतियों से मुलाकात की और भारत में व्यापारिक साझेदारी के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में नए अवसरों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कतर में भारतीय समुदाय के साथ वर्चुअल बातचीत भी की और उनके सहयोग की सराहना की।
दक्षिण अफ्रीका कोरोना के 10 लाख से अधिक मरीजों वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका में नए प्रकार के ज्यादा संक्रामक कोरोना वायरस का पता चला है। देश के कुछ अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में काफी संख्या में कोरोना मरीजों को दाखिल किया गया है, जिससे संसाधनों पर काफी असर पड़ रहा है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और अधिक सख्त बना सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इस वर्ष मार्च से अब तक कोरोना के 1,04,413 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और इससे 26,735 जान भी गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में हाल के दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या नए वायरस 501V2 के कारण बढ़ी है। इसका पता ईस्टर्न केप प्रांत के वैज्ञानिकों ने लगाया था। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद को समय से पहले भंग किए जाने से उत्पन्न राजनीतिक संकट के बीच चीन नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों गुटों के बीच राजनीतिक सुलह की हर संभव कोशिश कर रहा है। इनमें से सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के एक गुट का नेतृत्व प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व पुष्प कमल दहाल प्रचंड कर रहे हैं। दोनों गुटों के बीच एनसीपी के नेताओं और नेपाल के राष्ट्रपति के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद नेपाल में चीन की राजदूत हु यान की सुलह में नाकाम रही। इसे देखते हुए चीन ने अपने एक मंत्री गुओ येचू के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल नेपाल भेजा है, ताकि पार्टी का विभाजन रोका जा सके। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में श्रृंखला वार्षिकी 2020 प्रस्तुत कर रहा है। एनडीए सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। मई 2016 में आरंभ हुई उज्ज्वला योजना ने अपना संशोधित लक्ष्य पूरा कर लिया है। योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 7 महीने पहले पिछले साल सितंबर में 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का लक्ष्य पूरा होने पर सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इससे भारत की लाखों महिलाओं को मदद मिली है। औरंगाबाद आज एक और बहुत बड़ी सिद्धि का साक्षी बन रहा है। ये सिद्धि आपकी है, देश की करोड़ों बहनों की है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे घरों में गैस चूल्हा पहुंचाया जा रहा है जहां लोग रसोई के धुएं से कई बीमारियों का शिकार हो रहे थे। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत गरीब परिवार के महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के समय इस योजना ने गरीबों को बड़ी राहत पहुंचाई, जहां सरकार ने उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 3 महीने के लिए मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधा दी। इस दिशा में 9,709 करोड़ से ज्यादा की राशि अप्रैल से जून महीने के बीच उज्ज्वला लाभार्थियों के खाते में भेजा गया और लगभग 12 करोड़ एलपीजी सिलेंडर लोगों तक पहुंचाया गया। एलपीजी पर मिलने वाले सब्सिडी को तरसंगत बनाने के लिए सरकार ने पहल स्कीम के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई, जहां सब्सिडी में होने वाली गड़बड़ी को रोका गया। अब तक पहल स्कीम के तहत 27 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 1,36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी भेजा जा चुका है। स्वच्छ रसोई ईंधन से वंचित महिलाओं तक पहुंची उज्ज्वला जैसी सफल योजना ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाई है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को आज उसका अपना मौसम केंद्र मिल जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर में भारतीय मौसम विभाग इस क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों पर निर्भर था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ले में आज लद्दाख के लिए नव स्थापित भारतीय मौसम विभाग का वस्तुतः उद्घाटन करेंगे। आईएमडी के ले, कारगिल, द्रास और स्टकना में 4 स्वचालित मौसम स्टेशन संचालित होंगे। इन स्टेशनों से रियल टाइम मौसम की जानकारी आईएमडी वेबसाइट के माध्यम से हर 15 मिनट और घंटे के आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। नया मौसम केंद्र पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए मौसम और जलवायु से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें से चांगतांग, नुब्रा, जांस्कर, जोजिला और द्रास जैसे दूर दूर स्थान भी शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। और अब एक नज़र आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शीतलहर चलने की संभावना है। तापमान 5 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में तापमान 16 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 21 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। शहर का तापमान न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिक मेलबर्न में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य मिला है। भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी मुकेश, भारत में बिना ड्राइवर के पहली मेट्रो रेलगाड़ी के उद्घाटन की खबर सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, दिल्ली में दौड़ी देश की पहली चालक रहित मेट्रो, प्रधानमंत्री ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा 2025 तक 25 शहरों में होगी मेट्रो। दैनिक जागरण लिखता है अब देश देखेगा लाइट और न्यू मेट्रो। अमर उजाला के अनुसार नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत कर प्रधानमंत्री बोले शहरीकरण चुनौती नहीं अवसर। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री के इस बयान को सुर्खी बनाया है, कृषि सुधारों से आगे बढ़ रहा है देश, भारत वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में अग्रसर। 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। दैनिक जागरण लिखता है कृषि सुधारों और किसान रेल ने खोले नए रास्ते, मोदी ने कहा सरकार किसानों के हित के लिए हर पल प्रतिबद्ध। लोकप्रियता के दम पर 5 महीने में ही किसान रेल का शतक पूरा। जनसत्ता के अनुसार वार्ता के लिए सरकार ने किसानों को कल बुलाया। कृषि मंत्रालय ने 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को पत्र भेजा। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है चिट्ठी आई बड़े दिनों के बाद कल बात। 24 दिन बाद केंद्र और किसानों के बीच होगी बैठक, राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, तार्किक समाधान के लिए न्योता। दैनिक ट्रिब्यून का कहना है चीन में कोविड-19 वायरस के शुरुआती चरण की जानकारी देने वाली वकील को 4 साल कैद। अमर उजाला की सुर्खी है नेपाल में प्रचंड के पक्ष में चीन की मुहिम से भारत सतर्क, ओली को किनारा किया, नेपाली कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी भारत की निगाहें। दैनिक भास्कर ने सियासत शीर्षक से लिखा है कांग्रेस के स्थापना दिवस में नहीं आए सोनिया और राहुल, शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति से विपक्ष के निशाने पर कांग्रेस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे पूर्वी विशेष माल ढुलाई गलियारे के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक उपाय है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल अगले दौर की बातचीत होगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.83% हुई और मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर सिमटी। भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।